स्क्रीन क्लैरिटी पे आज हम स्क्रीन मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें एक इन्फ्लुएंसर व्यूज की भूख में काफी नीचे गिर जाता है जहां से वापस आना मुश्किल है। कई वर्षों से कट नाम का एक व्यक्ति ऑनलाइन फेमस होने का प्रयास कर रहा है। वो अपने चैनल कर्ट्सवर 96 पर हर तरह की चीजें करता है, जिसमें ड्रॉ माई लाइफ, वीडियो गेमिंग, जूतों की जांच और अपने पसंदीदा कीबोर्ड शॉर्टकट के बारे में बात करना शामिल है। वो अपने पिता क्रिस को भी दिखाता है, जो डीजे के रूप में काम करता है, और कट की माँ को बहुत समय पहले तलाक दे चुका है, क्योंकि उसकी माँ इस बात से बहुत परेशान थी। कट ने एक अच्छा बेटा बनने और बच्चों की देखभाल करके पैसे कमाने के साथ साथ उसके साथ रहने का फैसला किया। हालांकि कट चाहे कितना भी रिकॉर्ड कर ले, उन्हें अपने वीडियो के लिए कोई वफादार दर्शक नहीं मिला। उनकी संख्या कभी भी दुगने अंत तक नहीं पहुंची। ये बॉबी और उसके चैनल बॉबी बेसकैंप से बहुत अलग है। एक बच्चा कट बच्चों की देखभाल करता था और अब एक प्रसिद्ध प्रभावशाली व्यक्ति है। कट खुद को बॉबी के दोस्त के रूप में देखता है, लेकिन बॉबी उसे बर्दाश्त करता है और उसे अपने कैमरे से दूर कर देता है। 10 साल की असफल स्ट्रीम के बाद कट एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच गया है और अपने चैनल को एक आखिरी मौका देने के लिए तैयार है, जिसे वह द लेसन कहता है, जिसका उद्देश्य लोगों को यह सिखाना है कि ऑनलाइन फॉलोअर्स कैसे हासिल किए जाएं। वह अपनी कार को बहुत सारे कैमरों और पानी की बोतलों के एक ग्रुप के साथ तैयार करके शुरू करता है और कहता है कि यह पाठ का पहला पाठ है। यदि आप स्वयं का दस्तावेजीकरण नहीं कर रहे हैं तो आपका अस्तित्व ही नहीं है। इस कार का उपयोग कट द्वारा स्प्री नामक एक राइड शेयर ऐप के लिए ड्राइवर के रूप में काम करने के लिए किया जाएगा और वह जिस पहले यात्री को उठाएगा वह एक आदमी है जो अपनी सीट बेल्ट लगाने से इनकार करता है और कैमरे पर शक करता है, लेकिन कट बस उसे बताता है कि वे सुरक्षा के लिए है। पुनः ये व्यक्ति श्वेत वर्चस्व की टाइप का भी प्रचार करता है और कट चिंतित है कि यह नस्लवाद उसके लाइव स्ट्रीमिंग दर्शकों को नुकसान पहुंचा सकता है, जो वर्तमान में सिर्फ बॉबी है, इसलिए वह थोड़ा और लापरवाही से गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। लड़का शिकायत करता है, लेकिन कट उसे अपना मुफ्त बोतल बंद पानी पीने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये पता चला है कि इस पानी को जहरीला बना दिया गया है और कट ने पकड़े गए बिना ऐसा करने के बारे में एक संपूर्ण वीडियो ट्यूटोरियल भी बनाया। फिर कट कुछ संगीत बजाता है और स्टॉप साइन के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ता है, क्योंकि वह आदमी अपनी पिछली सीट पर खांसते हुए मर जाता है। कट के एकमात्र दर्शक बॉबी को लगता है कि यह हत्या विचारों के लिए की गई थी, लेकिन कट को इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यह पाठ का हिस्सा है। सबसे पहले किसी को भी ये बताने में सक्षम नहीं होना चाहिए कि वह जो कर रहा है वह वास्तविक है, क्योंकि वह अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त करना चाहता है। सड़क पर अधिकतम ध्यान देने के लिए अज्ञात तरीके से किया गया। कट का अगला यात्री एक चालाक रियालदार है जो ट्रंक में अपना चिन्ह छोड़ता है। कुछ बातचीत के बाद वह अपनी पसंद से पानी की बोतल लेने जाती है और जल्द ही कट की दूसरा शिकार बन जाती है। कट कैमरे पर शरीर को ठीक से दिखाने के लिए पिछली सीट पर जाता है और मजाक में कहता है कि वह पानी ही पी सकता है। उस समय क्रिस ने कट को फोन करके चलने के लिए कहा, लेकिन कट ने फोन काट दिया। फिर वह अपने ट्रैक को कवर करने के लिए आगे बढ़ता है। वह महिला के मृत चेहरे का उपयोग करके उसके फोन को अनलॉक करता है और राइडर पर खुद को 5 स्टार देता है। फिर वह एक टेक्स्ट मैसेज का जवाब एक असभ्य प्रकार से देता है ताकि महिला को कार्य बैठक में आने की उम्मीद न हो। शव से छुटकारा पाने के बाद कट अपने अगले यात्री मारियो नाम के एक अभर्षक मीटरहेड को उठाता है। कट अपना कुछ संगीत बजाने की कोशिश करता है, लेकिन मारियो इसकी शिकायत करता है। वह मुफ्त पानी को छूने से भी इनकार कर देता है। फिर कट मारियो की शिकायतों को नजरअंदाज करते हुए दूसरे यात्री को लेने के लिए रास्ता बदलता है, क्योंकि उसने ही पूल विकल्प चुना था। यात्री जेसी नाम की एक प्रसिद्ध प्रभावशाली और स्टैंड अप कॉमेडियन है, जो मारियो द्वारा खुद पर हमला किए जाने की बात सुनते ही यात्रा रद्द कर देती है और चली जाती है। मारियो कट को अपने पीछे आने के लिए प्रेरित करता है और कट उसे कार में बैठाने के लिए उसे मुफ्त में ड्राइव करने की पेशकश करता है। जैसे ही वह गाड़ी चलाता है, कट सुनता है कि उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और वह उससे पूछता है कि उसने ये कैसे किया, जिस पर वह जवाब देती है कि वह बस मजा किया है। फिर कट मदद मांगता रहता है और मारियो उस पर बेहद अनुचित टिप्पणियां करता रहता है, इसलिए परेशान है क्योंकि उसने एक वास्तविक सफल प्रभावशाली व्यक्ति से दोस्ती करने का मौका खो दिया है। इसलिए वह अचानक मार्ग बदलता है और मारियो को एक दूर के निर्माण स्थल पर ले जाता है। वह इतनी तेज गाड़ी चला रहा है कि मारियो बीमार महसूस करने लगता है और कट उसकी सीटों पर बर्फ से बचने के लिए उसे कार से बाहर निकाल देता है। मारियो शिकायत करता है, लेकिन फिर भी चला जाता है क्योंकि उसे खुद को राहत देने की जरूरत होती है। और उस समय कट पूरी आवाज में अपना गाना बजाता है और अपनी कार को तेज गति से मारियो से टकराता है, जिससे उसका शरीर कार के ऊपर उड़ जाता है और सामने की खिड़की पर गिर जाता है। कैमरे के लिए एकदम सही खूनी को मारियो के शव को फेंकने और कार की सफाई करने के बाद कट जेसी को उसके सोशल मीडिया पर घूरता है और देखता है कि उस रात उसका एक स्टैंड अप शो है। वह इसे एक संकेत के रूप में देखता है, कहता है कि वह और जेसी एक ही रात में दो बड़ी चीजें घटित हो रही हैं। जाहिर तौर पर कट अभी बड़ा नहीं है, क्योंकि उसके पास अभी भी एक लंकीय दर्शक है और उसका एकमात्र टिपर बॉबी है, जो अभी भी सोचता है कि हत्याएं नकली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह स्वयं एक बहुत ही नकली रचनाकार है। वह हमेशा बेघरों के साथ मजाक करता रहता है और एक बार कथित तौर पर उसने उनकी मदद की थी। ये सब कैमरे के लिए किया गया था। ये जेसी जैसी बिल्कुल नहीं है, जिसे लोग इसलिए पसंद करते हैं कि वह कितनी सच्ची और भरोसेमंद है। कुछ क्षण बाद कट गैस स्टेशन पर रुकता है, जहां वह रियालदार के साइन से छुटकारा पाता है और बॉबी के साथ बहस करते हुए टैंक को फिर से भरता है, जो उसे बताता है कि वह उबाऊ है और उसे अपनी धारा को मसाला देना चाहिए। एक बार कार से सारा खून साफ हो जाने के बाद कट अपने अगले यात्रियों के लिए लापरवाही से गाड़ी चलाकर बॉबी द्वारा कही गई बातों को मसाला देने की कोशिश करता है। सोशलाइट्स की तिकड़ी, जिसमें रिचर्ड, केंद्रा और लंदन शामिल है। पहले तो रिचर्ड और केंद्रा कट की गाड़ी चलाने के तरीके से डर गए, लेकिन लंदन उत्साहित है क्योंकि उसे लगता है कि वह एक साहसिक कार्य पर है और कट के साथ बातचीत करने के लिए आगे की सीट पर कूद जाती है। आखिरकार कट फिर से रास्ता भटक जाता है और तीनों को एक कबाड़खाने में ले जाता है। रिचर्ड और केंद्रा को सनरूफ खोलने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ एक सुंदर दृश्य है जो सोशल मीडिया तस्वीरों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। रिचर्ड और केंद्रा साथ खेलते हैं और वास्तव में मजा करते हैं, लेकिन फिर कट तेजी से गाड़ी चलाना शुरू कर देता है और अचानक सनरूफ बंद कर देता है, जिससे उसके अगले शिकार फंस जाते हैं, जबकि उसका गाना पृष्ठभूमि में बजता है। उसी समय कबाड़खाने से कुछ जंगली कुत्ते खाना खाने के लिए रिचर्ड और केंद्रा पर कूद पड़ते हैं और कट एक पावर ड्रिल लेता है, जिसे वह अपनी कार में रखता है और उससे लंदन को मार डालता है।
बाद में कट अपने वाहन को कारवॉश में ले जाता है और बॉबी को उसकी राय के लिए बुलाता है, लेकिन दुख की बात है कि उसने कट की ट्रिपल हत्या नहीं देखी। उसने वास्तव में स्ट्रीम देखना बंद कर दिया क्योंकि कट को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। कट ये जानना चाहता है कि बॉबी ने उसे अभी तक धन्यवाद क्यों नहीं दिया, जैसा कि उसने वादा किया था, और बॉबी उससे कहता है कि उसे जेसी की तरह बनना चाहिए क्योंकि वह रियल लगती है। कट फिर से जेसी की सामाजिक गतिविधियों की जांच करता है, लेकिन ईर्ष्या के कारण वह सबसे घटिया तरीकों से कड़वी टिप्पणी करता है, जैसे कि यह कहना कि वह अपनी कहानियों को लंबवत रूप से फिल्माती भी नहीं है। जब कट उपनगरीय इलाके में एक घर की ओर चला जाता है तो जेसी मारियो और कट को जलाने के लिए कार में लिया गया वीडियो पोस्ट करती है। फिर वह अपने सोशल मीडिया के लिए इसे रिकॉर्ड करते हुए उसकी अच्छी देखभाल करने के लिए अपनी दादी से मिलने जाती है। अचानक दरवाजा बजता है और वह चिंतित हो जाती है क्योंकि वे किसी की उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन ये सिर्फ एक साथी स्टैंड अप कॉमेडियन माइक है जो काम से संबंधित कुछ चीजों पर चर्चा करना चाहता है। ऐसा पता चलता है कि कट वास्तव में बॉबी से मिलने जा रहा है, जो कट को चले जाने के लिए कहता है क्योंकि वे सहयोगी या मित्र नहीं है, और यह सब कैमरे के सामने कहा जा रहा है ताकि उसके प्रशंसक उसकी स्ट्रीम पर सुन सके। बॉबी कट का अपमान करता है क्योंकि वह मदद की मांग करने के लिए करीब आता है, और बॉबी के प्रशंसक अंततः तक के दूसरे पक्ष को देखने के लिए कट की स्ट्रीम पर जाते हैं। कट ने अचानक बॉबी पर चाकू से वार कर दिया क्योंकि उसकी व्यू जनता तक दूसरे अंत तक पहुंच गई। बॉबी बंदूक से अपना बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ संघर्ष के बाद कट उस पर हावी हो जाता है और उसे मार डालता है। हालांकि उसके दर्शकों का मानना है कि यह सब नकली है। कट ने बॉबी के फीड पर अपनी स्ट्रीम होस्ट करके 3 अंकों में छलांग लगाए और यहां तक कि सारे खून से छुटकारा पाने के लिए स्नान करते हुए और बॉबी की चीजों को देखते हुए खुद को रिकॉर्ड किया। उसी समय उसके पिता ने उसे मैसेज भेजा और कहा कि उसे किसी कार्यक्रम में जाने के लिए सवारी की आवश्यकता है। पहले तो कट उसकी मदद नहीं करना चाहता क्योंकि वह जेसी के शो में जाना चाहता है, लेकिन जब क्रिस बताता है कि वह एक प्रसिद्ध डीजे से मिलने वाला है तो चैट में नाम पहचान लिया जाता है और कट मौके का फायदा उठाता है। कट क्रिस को उठाता है और उनके पिता पुत्र का रिश्ता स्पष्ट रूप से अजीब है, जिससे वे तुरंत बहस में पड़ जाते हैं। कार में बॉबी की बंदूक देखकर क्रिस हैरान हो जाता है और इसके लिए अपने बेटे को डांटता है, जिससे एक और लड़ाई शुरू हो जाती है जो तब तक नहीं रुकती जब तक उन्हें बंदूक छुपानी नहीं पड़ती क्योंकि पुलिस पास में होती है। जब वे अंततः क्लब में पहुंच जाते हैं तो उनकी मुलाकात रिनो नाम से प्रसिद्ध डीजे से होती है और वे उससे पूछते हैं कि क्या वह एक पोस्ट में कट के चैनल को टैग कर सकती है। पहले तो वह नहीं कहती है, लेकिन फिर वह वहां रहने से थक जाती है और अगर कट उसे टैको ट्रक तक ले जाता है तो चिल्लाने के लिए सहमत हो जाती है। अंततः उन्हें एक टैको ट्रक मिल गया और रिनो ने कट से उसकी तस्वीरें लेने और फिर सौदे के हिस्से के रूप में उसके लिए कतार में इंतजार करने की मांग की। कतार काफी लंबी है, इसलिए कट ग्राहकों को डराने के लिए कुछ घृणित कहानियां साझा करता है। इस बीच रिनो कार के चारों ओर देखती है और कट द्वारा बॉबी से ली गई बंदूक ढूंढती है, जिसे वह कुछ सेल्फी लेने के लिए सहारा के रूप में उपयोग करती है। फिर वह थोड़ा पानी पीती है, लेकिन ये कट के विशेष धुएं से एक बन जाता है और वह तुरंत बेहोश हो जाती है। जब तक कट खाना लेकर कार में वापस आता है तब तक रिनो एक शरीर के अलावा कुछ नहीं है और वह जल्दी से पानी की बोतल से छुटकारा पा लेता है। दुर्भाग्य से इस पर पुलिस का ध्यान जाता है, जो कट से फील्ड संयम परीक्षण करने के लिए कहते हैं, जबकि कट दिखावा करता है कि रिनो उसकी लड़की है और वह अभी सो गई है। अचानक रिनो जाग जाती है क्योंकि उसने पूरी तरह से मरने के लिए पर्याप्त शराब नहीं पी थी और पुलिस को देखकर वह घबरा जाती है और भागने से पहले एक को गोली मार देती है। पुलिस वालों में से एक उसके पीछे जाता है और जब कट अपनी कार में भागने का मौका लेता है तो उसका भी पीछा किया जाता है। ये सब उनके लाइव स्ट्रीम दर्शकों को 5 अंकों तक बढ़ा रहा है। पुलिस को खोने के लिए बेताब कट एक पागल की तरह गाड़ी चलाना शुरू कर देता है और एक बेघर शिविर को दुर्घटनाग्रस्त कर देता है, जिससे उसकी कार पलटने से पहले जानबूझकर कुछ लोगों की मौत हो जाती है। इस बीच जेसी को माइक ने अपने शो में शामिल होने का मौका दिया, जो उसे परेशान करता रहता है और कहता है कि उसके पास सभी प्रकार के संपर्क हैं। ये लड़का उसके सामने एक छोटी सी शुरुआत भी करता है, लेकिन दर्शकों में से किसी को भी हंसा नहीं पाता। हालांकि जब जेसी मंच पर आती है तो जनता तुरंत पागल हो जाती है और एक कोने में कट अपनी बंदूक के साथ छिपा हुआ है। अपने कुछ सामान्य चुटकुलों के बाद जेसी ने मारियो और कट के साथ अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए कहा कि सोशल मीडिया फॉलोअर्स के लिए कट की भूख ने उन्हें थोड़ा आत्मचिंतन करने का मौका दिया। खुशी उच्च ग्राहक संख्या में नहीं मिल सकती है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने व्यूज हैं, दूसरे लोगों के मनोरंजन के लिए आपको केवल आंका जा रहा है और नफरत की जा रही है। वह मंच पर अपना फोन तोड़कर अपना सेट समाप्त करती है, माइक गिराकर सोशल मीडिया पर अपनी निर्भरता समाप्त करती है और सभी को सदमे में छोड़ देती है। उसके भाषण से प्रभावित होकर कट ने किसी भी प्रकार की गड़बड़ी किए बिना जाने का फैसला किया, केवल ये जानने के बाद कि उसकी हत्या की बोर्ड के कारण उसकी सेवा अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई है। कट को गोगो नामक एक अन्य ऐप के माध्यम से सवारी मिलती है और वह डेविड नामक एक मिलनसार व्यक्ति की कार में चढ़ जाता है, जो तुरंत मजाक करता है कि वह पागल ड्राइवर नहीं है जो पूरी रात लोगों को मार रहा है। कट इसे व्यक्तिगत रूप से लेता है और कुछ ही सेकंड में डेविड को मारने में संकोच नहीं करता। बाद में वापस जेसी माइक से निपटने से थक गई है, जो सोशल मीडिया छोड़ने पर भी उसकी रिकॉर्डिंग बंद नहीं करेगा और वह गोगो को कॉल करके उसे छोड़ने का फैसला करती है। डेविड की कार आती है, लेकिन कट गाड़ी चला रहा है और वह जेसी को बताता है कि वह पहले से ड्राइवर है, जिसका उसने अपने सेट में मजाक उड़ाया था। वह उसे ये भी बताता है कि वह उसके शो में था, इसलिए वह जानता है कि वह मदद के लिए अपने फोन का उपयोग नहीं कर पाएगी क्योंकि उसने उसे तोड़ दिया है। ये सोचकर कि जेसी असहाय है, कट ने उसे सूचित किया कि वह उसे अपने घर ले जा रहा है ताकि वे नफरत के बजाय प्यार व्यक्त कर सके, लेकिन जेसी फोन चार्जर कॉर्ड से लड़ती है और उसका गला घोंट देती है जब तक कि कार एक कचरा कंटेनर से नहीं टकरा जाती। कट हड़बड़ाहट में कार रोकता है और जेसी को मुक्का मारकर जवाब देता है, जिससे वह नीचे गिर जाती है। फिर वह उसे अपने सामने वाले लॉन में ले जाता है, जहां वह उसके शरीर को अपनी हेडलाइट्स में खींच लेता है। वह दर्शकों से पूछता है कि उसे उसके साथ क्या करना चाहिए और दर्शक चुनते हैं कि उसे उसे मार देना चाहिए। जैसे ही उसके दर्शक चेक को स्पैम करते हैं, कट उसे कुचलने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि जब वह गिरे हुए कैमरे को ठीक करने के लिए रुकता है तो उसकी नजर जेसी से हट जाती है, इसलिए वह उसे ढूंढने के लिए कार छोड़ देता है, जबकि चेक ने उसे उसकी मूर्खतापूर्ण हरकत के लिए बुलाया जाता है। दर्शक सही साबित हुए, जेसी ने कार में बैठने और पहिया संभालने के मौके का इस्तेमाल किया, तुरंत कट को नीचे गिराने के लिए वाहन का इस्तेमाल किया।
हालांकि वह नियंत्रण खो देती है और उसके ड्राइविंग के परिणाम स्वरूप कार उसके घर के ठीक सामने दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और कट के पास इससे बचने की गुंजाइश होती है। फिर वह जेसी का चेहरा एयरबैग पर धकेल कर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेसी उसे धक्का दे देती है और कट दूसरे कमरे में भाग जाता है। जबकि जेसी लाइव स्ट्रीम को बताती है कि उसे मदद की जरूरत है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि यह सच है, क्रिस भी आता है और कट की माँ को फर्श पर मृत देखकर घर को नष्ट हो गया देखकर हैरान रह जाता है। तब यह पता चला कि वह कट की पहली शिकार थी, उसने बात देने के लिए उड़ान भरने से ठीक पहले ऑफ स्क्रीन उसकी हत्या कर दी थी। अचानक कट बाहर आता है और बॉबी की कार से उसकी बंदूक उठा लेता है, जिसका उपयोग वह अपने पिता को कुछ बार गोली मारने के लिए करता है, जिससे उनकी तुरंत मौत हो जाती है। इस बीच जेसी कार में भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब रिवर्स में जाने से काम नहीं चलता तो वह बस आगे बढ़ती है और कट को दीवार से कुचल देती है। चेक उसे शरीर की जांच करने के लिए कहती है और जेसी यह पता लगाने के लिए ऐसा करती है कि कट अभी मरा नहीं है। उसे अपने फोन से उसका सिर फोड़कर काम खत्म करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि कुछ मिनट पहले का फ्लैशबैक दिखाता है कि कट एक विजेता की तरह महसूस कर रहा था क्योंकि उसे 50,000 लोग देख रहे थे। फिर चेक में शरीर के साथ एक सेल्फी मांगी जाती है और जेसी इसके लिए जाती है। अगले दिनों कट का मामला वायरल खबर बन जाता है। जेसी एक मल्टीमीडिया क्वीन के रूप में पहले से कहीं अधिक प्रसिद्ध हो गई है और हालांकि कट को सभी पत्रकारों द्वारा तिरस्कृत किया जाता है, लेकिन उसे 4chan और रेडिट जैसे नेट के कुछ गंदे हिस्सों द्वारा नायक के रूप में देखा जाता है। जैसे ही ये मंच कट के लिए प्रशंसा से भर जाते हैं, एक उपयोगकर्ता ने खुलासा किया कि वे उसके बारे में स्प्री नामक एक फिल्म बना। हमें आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। सिर्फ 0.1 नहीं करा है, प्लीज सब्सक्राइब करें।